दोस्तों, मैं राहुल सिंह, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं फणीश्वरनाथ रेणु जी की लिखी कहानी पंचलाइट। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले में सन 1929 ईस्वी में हुआ। आप स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ प्रसिद्ध उपन्यासकार तथा आंचलिक कथाकार भी थे। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी पंचलाइट। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसा जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है इस बार रामनवमी के मेले में। गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स को जिले गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया, 10 रुपए जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्या नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के भी राज में पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? देखते नहीं हैं, पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है, पंचलाइट। छड़ी अग्नु महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से छूछा मत करो, ठेस ना लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपनी सभी भगतिया पचकों को समझा कर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूं, आज यदि आखर धरने में डेढ़ वेढ़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलाइट, पंचलाइट, पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है, पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखें के आगे धूल खेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ी ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलाइट। लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने के पहले किसी ने ना सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा सामग्री चौकी पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग खोल ढोल करदाल खोल कर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो।
कहावत है ना, भाई रे गाय लूं तो दूहे कौन, सो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन पाले। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाइट जलाने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरे पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सा है, बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों का पंचलाइट पहली बार दूसरों के हाथ से, ना ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा, किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन जलाता है। सब किए कराए पर पानी फिर रहा था, सरदार दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे, किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, क्या महतो टोली के लोग बचा पाएंगे अपने आत्मसम्मान को? क्या बिना दूसरे पंचायत के मदद लिए जला पाएंगे पंचलाइट को? यह जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग। थैंक यू सो मच।